हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्पी मसाला डोसा। अब होटल जैसा डोसा आपका घर पर भी बनेगा, वो भी क्रिस्पी क्रंची। और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसके साथ खाने वाली आलू की फिलिंग की रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेंगे आलू की फिलिंग। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रखा है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल को कढ़ाई में गरम करने के लिए रखा है। ऑयल जो है वो गरम हो चुका है, डालेंगे हम इसमें जीरा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा। तो जीरा अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसमें डालेंगे अनियन। तो जीरा फ्राई हो चुका है, डालेंगे हम अनियन। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 स्लाइस कट किया हुआ अनियन। तो इसे हम कढ़ाई में डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आपको इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। तो ये हल्का ब्राउन हो चुका है, डालेंगे हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने ली है 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्च। तो इसे भी हम अच्छे से ऑयल में फ्राई होने देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर। तो मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और आधे मिनट के लिए इसे अच्छे से पकने देंगे। तो आधे मिनट बाद हम डालेंगे इसमें कटे हुए उबले आलू। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 आलू को उबाल लिया था। तो यहाँ पे मैं 5 जनों के हिसाब से जो है वो आलू की फिलिंग बना रही हूँ। अगर आपके घर में ज़्यादा लोग होंगे तो आप क्वांटिटी को डबल कर लीजिए। तो इसे मैं मसालों में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो अगर आपके पास मैशर होगा तो आप मैशर की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर सकते हो। तो मैं इसके हेल्प से मैश कर लूँगी आलू को। तो धीरे धीरे करके आपको आलू को मैश कर लेना है। तो आप देख सकते हो पूरे आलू जो है वो अच्छे से मैश हो चुके हैं। आपको सेम करना है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया। तो धनिया डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे धनिया का जो स्वाद है वो आलू की फिलिंग में अच्छे से आए। तो अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेंगे। तो आलू की जो फीलिंग है वो अच्छे से गरम हो चुकी है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी आलू की जो फीलिंग है वो रेडी हो चुकी है। अब हम बना लेंगे डोसा। तो डोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैं तवे को जो है वो गरम करने रख दूँगी। तवा जो है वो बहुत ज़्यादा गरम हो चुका है, तो मैं पानी छिड़क के इसे नॉर्मल टेम्परेचर में ला रही हूँ। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका है, डालेंगे हम इसमें बैटर। तो बैटर डालने के बाद इसे आपको इस प्रकार फैला लेना है धीरे धीरे। तो फैलाने के बाद 2 से 3 मिनट बाद आपको ऊपर से ऑयल डालना है। अब हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आ चुका है डोसे का। तो डोसा जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। अब हम इसे जो शेप में हो उस शेप में फोल्ड कर सकते हो। आपको जो शेप अच्छी लगती है आप उस शेप में फोल्ड कर सकते हो। तो डोसा जो है वो रेडी हो चुका है गाइस। अब इसे मैं सर्व करूँगी मेरे आलू की फिलिंग के साथ, जो अभी हमने बनाई थी थोड़ी देर पहले। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपकी रेसिपी कैसे बनी। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय।